बैठी हुई है अंडों के ऊपर, चार अंडे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। यही अंडे निकलते हैं, यहाँ पे आप देखे मकाओ वगैरह, ग्रे पैरेट वगैरह की ब्रीडिंग प्रोसेस आपको दिखाने लगे, प्रोग्रेस दिखाने लगे। लास्ट टाइम हमने दिखाया है जिमी भाई के, यहाँ पे जितने भी कह सकते हैं कि डियर थे उसकी कितनी प्रोग्रेस है। तकरीबन हमने एक एस्टिमेट लगाया है कि 40 के करीब हमारे पास डियर एक्स्ट्रा आ चुके हैं, ब्रीड आई है जो। और यहाँ पे जिमी भाई खड़े हैं इनके साथ मिल के, अभी प्रॉपर हम लोग प्रोग्रेस चेक करते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं सारे देखते हैं। भाई बड़ी गर्मी थी लास्ट वीडियो के अंदर, हम दोनों हड़बड़ाए हुए थे, हम लोगों की वीडियो मुझे पता है कि बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। आज जो जा रहे थे बाहर, लेकिन इधर थोड़ा सुकून है बर्ड्स के लिए। शायद आपने कोई कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है या फिर बनी इस तरह की हुई है, फैन लगा, कुछ ना कुछ मजा आया यहाँ पे। तो कितने ग्रे पैरेट के पेड़ है पहले तो ये बताए ना आप। हमारे पास तकरीबन इस वक्त जो है 22 या 23 जो है हमारे पास ब्रीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सीजन के अंदर इत्तफाक समझे, हमारी बदकिस्मती समझे, हमारा नसीब समझे, हमारे पास सिर्फ ग्रे पैरेट्स ने ही ब्रीड किया है और बाकी जो है ना दूसरे तोतों ने पता नहीं क्यों ब्रेक मार दिया। लेकिन आप लोग इनके नीचे रहने से बच्चे इनसे पलवाते हैं, नीचे नेचुरल तरीके से दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा मादी जरा बैठी हुई है अंडों के ऊपर, हाँ चार अंडे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये देखिए जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रे पैरेट है ना वो उसमें तो हमारे पास ब्रीड कर लिया है। अब बाकी जो बड़े बर्ड्स है ना उसमें से एक मकाओ ने हमारे पास दो अंडे दिए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा मकाओ के अंडे आ गए हैं ना बॉक्स के बाहर, ये बड़ी बात है। आए तो है ना अंडे, असल में हुआ ये था कि जो यहाँ ये पहले केजेस थे ना वहाँ से हमने शिफ्ट किया था, जो जगह कंस्ट्रक्शन में थी। अब मुझे लग रहा है जो जगह शिफ्टिंग है ना उसके दौरान जो है ना इनको थोड़ा सा और टाइम अब मजीद चाहिए इस जगह पे। सर गिरे तो हो गए इंशाल्लाह, जो अगले सीजन तक बाकी भी चल रहे हैं। किस पे अंडे हैं सर? ये जो ऊपर वाले बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें अंडे हैं, लेकिन अब ये ना मैं नहीं जाता, मैं चलूँ और आप तो चढ़े ही नहीं, दोनों गिरे हो और बॉक्स भी थोड़ा ये डिस्टर्ब भी होता है। अच्छा सीन क्या है, मेरा ख्याल है ऊपर वालों ने ज्यादा ब्रीड इसलिए किया कि हम लोगों से दूर है, नीचे हम लोग घूमते भी। एक चीज बोली तो मेरे भी दिमाग में कि ऊपर वहाँ पे भी यही हुआ है, जो ग्रे पैरेट ने जो दूसरी हमारा जो सेक्शन है जिसमें अभी हम जाएंगे वहाँ पर भी ये जो बॉक्स ज्यादा हाइट पे है ना उधर ज्यादा ब्रीड आ गई है। अच्छा अच्छा, माइट भी पॉसिबल कि परिंदा जो वहाँ पे कंफर्टेबल ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा वैसे किसी के बच्चे अभी तक बाहर आए हैं तैयार हो गए या नहीं? पूरे कितने बच्चे अभी तक बाहर आ गए हैं? ठीक है, तो शोर आपको आ रहा है, वो फैन लगा हुआ रहने दे, वो नहीं रहने दे, थोड़ा हल्का हो गया शोर, थोड़ा कम हो गया। अच्छा बच्चे कितने उठाए आपने बताया था? 22 अभी इतने ही हो जाएंगे। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, उन बच्चों को रोकेंगे या फिर आगे शिफ्ट कर देंगे? सबके सब फ्लाइंग टेम करके ना ऐसी कवेरी में छोड़ेंगे। कोई फ्लाइंग टेम की तैयारी चल रही है? आगे देखें क्या आगे। यहाँ पर ब्लू विंग मकाओ लगा हुआ है, इसने ब्रीड की जिमी भाई? नहीं सर, बॉक्स में जाना शुरू कर। अभी है कुछ इसके अंदर? नहीं सर अभी कुछ भी नहीं। वैसे मकाओ का आपको बॉक्स दिखा देते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, तो कुछ भी नहीं है अभी खाली है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली दफा जब आप आएंगे ना प्रोग्रेस देखने के लिए। तो यहाँ पे जगह जगह पे फैंस आपको नजर आ रहे हैं, प्लांट्स भी लगाए ग्रीनरी ताकि उनको पता चले कि हम लोग वाइल्ड में ही हैं यहाँ पे। फिर अंडे किसने दिए थे इसमें से? जो सर दूसरा एक और हमारे तो तीन सेक्शन है बर्ड्स के ना, तो ये हम सेक्शन वन में। ठीक है, ऐसे दो और सेक्शन है और इसमें एक ग्रीन विंग का पेयर है, बिल्कुल ऐसा ही पेयर है, उसमें जो ना बॉक्स के बाहर अंडे हैं। अभी ग्रीन विंग एक ये लगा हुआ है, एक पेयर ये लगा हुआ है, मेरा दो उधर है। मुझे लगता है इसने अंडे दे दिए हमें फीमेल अंदर, लेकिन तंग नहीं करते हम लोग इसको, ये अंडे खराब ना कर दे। अब दूसरी साइड पे चलें, दूसरे सेक्शन में जाया जा रहा है, ये वाला हमने क्लियर कर लिया, अब जा रहे हैं हम लोग इस तरफ, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मज़ेदार ही मिलेगा। ओके, सबसे पहले क्या मिला है हम लोगों को? ब्लू विंग ब्लू गोल्ड ब्लू एंड गोल्ड पेयर, कंफर्म 100% ब्रीडर, बट अभी ब्रीड नहीं आई जिमी भाई की? नहीं सर अभी इनकी ब्रीड नहीं आई है, बॉक्स में भी चले आते हैं। उसके साथ कौन सा मिलेगा हमें? और ये जो ना इसने अंडे दिए थे, इसे दिए थे वो जो आप बता रहे हैं वेस्ट हो गए हैं। वेस्ट हो गए सर, क्या रीज़न बना होगा, कोई आइडिया है आपको?
असल में ना हमारी जो बर्ड्स अवेलेबल थी ना वहाँ से हमने इनको शिफ्ट किया। आपकी बर्ड्स अभी काफ़ी बड़ी थी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसका सारा काम हो रहा था, हमने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया, उस दौरान जाना ये थोड़ा सा गैप आ गया, और जो कि अच्छी बात भी है, हर साल ब्रीड कर रहे थे, एक साल अगर गैप आ गया तो मेरे। अच्छा, यानी कि पिछले साल आप ब्रीड ले चुके हैं इनकी? हाँ, इन सबकी ब्रीड आ चुकी है। अच्छा अच्छा, कन्फर्म है? कन्फर्म है। वो आपने जो पैसे शिफ्ट किए हैं प्रॉब्लम वहाँ से आई है। चले आगे चलते हैं फिर। तो सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ना केजेस वगैरह, यहाँ पे मकाओ थे खुले, काफी बड़े बड़े, 10x10 का होगा, 10x12 का होगा केज। वो हमारी जो अवेरी थी वो तो बहुत बड़ी है सर। अभी नहीं नहीं, ये वाले सामने केजेस हैं। अच्छा, ये वाले पहले, हाँ लास्ट टाइम जब आए थे तो मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स अवेलेबल खाली थी, हमने परिंदे यहाँ डाले थे, यहाँ बिल्कुल, ये तकरीबन एक केज होगा 20x10 का। हाँ, बहुत बड़े बड़े। अब वो इतने छोटे में आगे डिस्टर्ब शायद हुए हुए हैं, लेकिन आप ब्रीडिंग की गर्मियों में फिर छोड़ देंगे बाहर? नहीं, इसे हम तंग नहीं करेंगे, इसे पहले के फिर अंडे बाहर फेंगे, अंडे दिए हो सकता है, लेकिन पंगा नहीं ना लेते हम। हम लोग वो सोच ही लेते हैं कि भाई अंडे दिए हैं, नेक्स्ट टाइम आके ब्रीड देखेंगे। उसकी पहले दे चुके हैं ना, ये भी दे चुका है, सारे जोड़े दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी कितनी उम्र के हैं ये? ये 8-9 साल के हैं माशाल्लाह। और कितने साल में ब्रीड स्टार्ट करते हैं? 4 साल के बाद कभी भी जा सकते हैं अगर ये सेट हो गए तो। ठीक है, आगे क्या? आगे भी सर मकाओ ही है। मकाओ ही है। और लबड़ की बसें कहाँ से आ रही हैं? वो बिल्कुल आगे वाले सेक्शन में। आप भी लबड़ के शौकीन हैं? शौकीन तो सर हम मुर्गी के चूजे के भी हैं, जानवर तो जानवर होता है हमारे लिए। घोड़ा रखा हुआ था आपने? ये घोड़ों का स्टबल था पहले, इसको मैं कह रहा हूँ ना, हमने फिर हम इनको बाद में शिफ्ट किया। आपको बच्चे दिखाते हैं जरा, जो ब्रीड हैचिंग हो गई है, एग्स तो आपने देख लिया, हम आपको बेबीज भी दिखाते हैं। चलो जी, अब जाके ब्रीड देखते हैं कि ब्रीड कहाँ पे आई हुई है, कितनी आई हुई है। ये मेन इशू है सन भाई कि देना, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, हर बॉक्सेस को बार बार नहीं खोल सकते, और केजेस भी जो आप देख रहे हैं डियर्स वगैरह के, उसके अंदर भी आप और मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहे कि जो ना हमारे दीवार में लगेंगे, प्रेग्नेंट फीमेल ऐसा आया होता है, हमें जानवर को नहीं तकलीफ देनी। और अभी जिस हिसाब से गर्मी हुई है ना, वो जानवर पहले ही निढाल है। या कराची में बहुत जल्दी गर्मी आ गई है सर, यही होता है। ये ग्रे पैरेट की एवरी लगी हुई है ना, जब उस तरफ एरिया उस पर कवर करेंगे, मेरे सामने हमारी बर्ड्स एवरी वो बड़ी है। चले वहाँ चलते हैं। यार ये तो बहुत ही बड़ी साइज की है हसन भाई, ये वो अवेरी है जिसका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बर्ड्स को हमने शिफ्ट जो किया है वो यहाँ से किया है, जो ब्रीड आ रही है यहाँ पे शिफ्ट करी जा रही है। सबसे पहले हमारे पे यही थी, यहीं पर ही सारे तोते हुआ करते थे, ब्रीड करते थे, इसको पूरा हम रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, इधर हम रेप्टाइल हाउस बना रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पर हम एक म्यूजियम बना रहे हैं। बेहतरीन है यार। अनफॉर्चुनेटली आपको पता होगा कि इन जानवरों में मोर्टेलिटी भी हो जाती है, नेचुरली भी होती है, क्योंकि उम्रें बहुत छोटी होती है, 10-12 साल में भी जानवर जो है, तो हमारे पास अगर कोई भी मोर्टैलिटी होती है तो हम उसको स्टफिंग करा लेते हैं, और जो स्टफिंग हमारी जमा हुई है उसको हम यहाँ पे पूरा म्यूजियम बना रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा उसको रेडी होने में? अगली बार जब तक आप आएंगे इंशाल्लाह रेडी इंशाल्लाह। ओके, तो अभी अंदर जाके देखते हैं अंदर हम लोगों को यहाँ पे मिलता क्या क्या है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था इतना कुछ? यहाँ पे जो ना लवबर्ड, जावा, फिंचेस, ये सारी जगह उसकी थी। अभी ये जगह आप देख रहे हैं ये उजड़ी भी है, ये तो एक एक केज में 100-100 कुचा लगा होगा। जगह ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे जो लवबर्ड फिशर है ना फ्री फ्लाई कर रहे थे ये इस जगह पे, पूरी पूरी के पूरी बड़ी फ्लाई है ये तो। और उन पिंजरों के अंदर पेर पेर डाले हुए थे, वो अभी हमने ना खाली कर दिए सारी जगह। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा मुझे बताएं, जब वो नीचे थे आपके बर्ड्स फ्री फ्लाई में, तो ऊपर भी आ जाते थे लवबर्ड्स? फिर नीचे कैसे जाते हैं? हंडिया वंडिया लगी है ना, हम तो उतार लिए हमने, तो अब तो ये खुद ही फ्लाई करते रहते थे। तो ऊपर आके वापस कैसे जाते थे? उनको रास्ता इतना दिमाग है उनका, कर लेते थे सर वो उधर। कम से कम मैं कहता हूँ 5-6 हज़ार हमारे पास वो परिंदा था ओपन। वाह, मैं कहाँ था उस टाइम? ये सारे के सारे जोड़े ना सर, सारे के सारे ये अंडे में बैठे हैं, ये ब्रीडर है 100%। सारे के सारे बच्चे भी निकले हुए हैं, दिखाएं कोई शो करवाएं। भाई 5,000 बर्ड्स का ब्रीडिंग सेटअप यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा खुला होता था ऐसे, और नीचे से बर्ड्स ऊपर आते थे। 3 मंजिलों में जमीन पे फिरते हैं? 3 मंजिलों में फिरते हैं बर्ड्स आपके? माशाल्लाह। पहला डब्बा खोलते निकल आए। अच्छा, ये बच्चे हैं? हाँ, दोबारा फिर ले कर दिया। हाँ, ये एक अंडा रह गया होगा शायद, बाप में निकल गया, लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही इसकी ना। अच्छा, दोबारा ले कर दिया मेरा ख्याल है, हो सकता है।
तो हर बॉक्स में जो ना अंडे हैं, ये देखें जैसे इसमें दो अंडे पड़े हैं, मैं ये देखें दो लिखा हूँ। तो ये कौन देखते हैं यहाँ पे सिस्टम वगैरह सारा? और मैं लिख देता हूँ उसके अंदर भी दो अंडे आए हैं, उसके अंदर भी दो अंडे हैं, ये देख रहे हैं। यानी कि अभी ये दो दो अंडे दिए इन्होंने और उतारने हैं अभी। दो दो अंडे आए हैं, उसके अंदर तीन आए हैं, देखें गेट के साथ हम लिख देते हैं ना, 10 को आए थे। हाँ ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है, कितने बच्चे निकलते हैं या अंडे निकलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंडे अंडे बहुत ज्यादा डर रहा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपके अलावा आता भी कोई नहीं है? नहीं सर, जू कीपर है वो, एक ही स्टाफ है हमारा जो ना वो आता है यहाँ पे, उसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं देते। इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी आते ना, तो भी उसको उनको हम अंदर नहीं लाते। लेकिन आपका माशाल्लाह ये कि ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि आप इन चीज़ों को समझते हैं, ये मोहब्बत है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब जैसे बहुत सी जगहों पे आप खुद एहतियात कर रहे हैं, नहीं केज के अंदर नहीं जाना है हमें, बॉक्स नहीं खोलना है, लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझता, वो समझते हैं बर्ड को डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये है, तो ये सारे जोड़े अलहमदुल्ला लगे यहाँ पे। जिमी में जोड़े लगे कितने टोटल ग्रे के? काउंट करें सर, काउंट करते हैं, तीन केज हैं एक लाइन में, 25 ग्रे के जोड़े हैं, बाकी दूसरे परिंदे बेहतरीन है। जो आएगी ना अब ये मेरे आएगी HSN हसन वकार वाले व्लॉगिंग चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोशिश करते हैं उठा के, शायद उठाया जाए, हो सकता है कि ना उठाया जाए, लेकिन बहुत बड़ा है भाई, सीरियसली हो सकता है मोबाइल में आपको छोटा लग रहा हो, मेरे से बहुत चौड़ा है वो।